गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो कई दिनों से आप लोग मुझे बोल रहे थे अपने टेरेस गार्डन का टूर दीजिए, तो चलिए करवा रही हूँ। ये है मेरा टेरेस गार्डन। अभी सारे प्लांट मैंने एक साथ रखे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मियों के टाइम पर ना मैं अपने सारे पौधों को एक साथ रख देती हूँ और दिखाती हूँ आपको कौन कौन से फूल खिले हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है कॉक्सकॉम मुर्गा, जिसे मैंने छोटे से गमले में लगाया है। और ये जो आप गमले देख रहे हैं ना, ये मैंने पुराने डिब्बों से बनाया है। और मुर्गा प्लांट को अभी आप बीच से भी उगा सकते हो, इसका आप पौधा भी लगा सकते हो। और इधर खिले हैं बहुत सारे पोर्टुलाका के फूल अलग अलग कलर में। पोर्टुलाका यहाँ पे खिलते रहते हैं, ये 9 o'clock भी बोला जाता है इसे। और ये है सुंदर सा इंग्लिश वैरायटी का विंका पेरीविंकल, सदाबहार के नाम से जाना जाता है। बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और इस वाली रो की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे मेरे सारे गुलदाउदी के पौधे लगे हैं। गुलदाउदी को मैं देखिए, तेज़ धूप रहती है ना दिन के टाइम पे, तो उसे गर्मी से बचाने के लिए मैंने अपने घर के वेस्ट वाले एरिया में रखे हैं। यहाँ पे धूप कम आती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर धूप ज़्यादा है इधर कम है। और यहाँ पे गुलदाउदी के साथ साथ देखिए सदाबहार उगा है गुलदाउदी में। मैं अपने गार्डन के दो घुसपैठिए पौधे जिनसे आज आपको मिलाऊंगी, उनमें से सबसे पहला सदाबहार है, उसके बाद है मैक्सिकन पिटूनिया। देखिए ये हर गमले में उग गया है और इसने मेरे सारे प्लांट का फूड खा दिया है, तो इन्हें तो मैं इस बार अपने गार्डन से ही हटाने वाली हूँ। और इधर कपड़े भी सूख रहे हैं साथ ही साथ। तो और ये है इटालियन बेसिल, ये तुलसी वाली जो तुलसी होती है ना, उसी की एक वैरायटी समझ लीजिए। ये पास्ता वगैरह में डलता है और इसके पत्तों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसे आप चाय बना के पी सकते हो। अभी बीज से उगा सकते हो, एक पौधा इसका भी अपने गार्डन में लगाइए। यहाँ पर है जैस्मिन का प्लांट, इसकी बेल भी जाती है और फूल आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। हाँ, को सारी गुलदाउदी की रो है। और ये मेरा बेलपत्री का प्लांट है, एक बेलपत्री का पौधा भी घर पे जरूर लगाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। और इस तरह से तीन तीन पत्तियाँ आती हैं इसमें, देखिए इसकी पहचान यही होती है। और ये जो बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हो ना, ये गोरी चोरी का पौधा है, काफ़ी हेल्दी हुआ है क्योंकि इसकी प्रूनिंग कर दी थी, अब इसमें फूल आएंगे। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत अच्छा पौधा है, ज़रूर लगाइए। ये भी मेरी गुलदाउदी है, देखिए कुछ कुछ गुलदाउदी तो मेरी गर्मी में एक दो विलुप्त हो गई है, और बाकी मैं ना मैक्सिकन पिटूनिया ने ही उसको विलुप्त कर दिया। ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटूनिया मैंने काट दिया है पूरा, इसमें उग गया था। ये देखिए, पहले इसमें गुलदाउदी लगी थी लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया ने ना सारे पौधे ख़राब कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया मुझे मैक्सिकन पिटूनिया ने। इस बार तो इसे हटाना ही पड़ेगा अपने गार्डन से। और देखिए यहाँ पर है मुर्गा, मुर्गा तो मुझे चाहिए ही क्योंकि इनका सीजन अब आने वाला है। जैसे जैसे सीजन आएगा ये आपको बड़ा होता दिखेगा। और ये है मेरा केले का पौधा, एक केले का पौधा भी मैंने अपने घर पे लगाया है और इसमें ना गुलदाउदी भी उगी है। तो विंटर के टाइम पे ऐसा होता है, केले का पौधा पूरा ख़त्म सा हो जाता है क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है और गुलदाउदी इसमें खिल जाती है। तो या तो मैं गुलदाउदी को अलग कर दूँगी इसमें से, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी वैसे आप गुलदाउदी को कटिंग से ग्रो कर लीजिए, या तो आप इसे बीज से उगा लीजिए, या अभी नर्सरी से भी आप छोटी छोटी पौध ला सकते हैं। तो अभी लाके लगा लीजिए ताकि टाइम आने पे गुलदाउदी आपके गार्डन में फूल दे दे। और देखिए ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये देसी वाली वैरायटी है, और ये है पिंक वाला मैक्सिकन पिटूनिया। मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, ये भी वैसे काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये जो देसी वाली वैरायटी है ना पर्पल वाली, भाई साहब इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया ना, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ये घुसपैठिए पौधे हैं, बिल्कुल गार्डन को तहस नहस कर दे रहे हैं। देखिए हर जगह यही उग गया है, इस गमले से मैंने काटा हुआ है और यहाँ भी मेरे गुलदाउदी के से बहुत से गमले ख़राब किए हैं। ये देखिए इस गमले में भी उग गया, यहाँ पे गुलदाउदी है तो इसमें से भी हटाना पड़ेगा, इसे भी हटाऊंगी कुछ दिनों बाद। और यहाँ पे भी कुछ पोर्टुलाका के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, ये देखिए। और ये वही गमले हैं जो मैंने पिछले साल या 1.5 साल 2 साल इन गमलों को हो गया जब ये बनाए थे, अच्छे खासे चल रहे हैं, काफ़ी मजबूत हैं। देखिए ये जबरा प्लांटर अपना, आपको तो पता ही है मैंने इसका नाम जबरा रखा है। और ये देखिए छोटी छोटी मटकी में लगाया है जेड प्लांट। अच्छा, अगर आप जेड प्लांट की अच्छी हेल्थ ग्रोथ चाहते हो ना, इसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे इसे धूप भी मिले, और देखिए मिट्टी में मैंने रेत भी मिलाई है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ग्रोथ देखिए इसकी कितनी अच्छी है। यहाँ पर सारे मेरे DIY वाले प्लांटर हैं, और इस बार मैंने छोटे छोटे गमलों में ना ये मुर्गा भी लगा दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मेरा जेड प्लांट है, देखिए ये भी मैंने छोटे से डिब्बे में लगाया है, तो इस तरह से आप भी लगाइए। और काफ़ी मैच्योर हो गया देखिए प्लांट ये वाला। और यहाँ पे है मेरा मुर्गा प्लांट जो मैंने बीज से उगाया था, देखिए कितना अच्छा घना ये हो गया है, और मैंने आपको उगा के भी दिखाया था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अभी आप इसकी खूबसूरत पत्तियों का आनंद ले सकते हो, जैसे जैसे सर्दियाँ पास आते जाती हैं फिर इसमें फूल बन जाता है, और इसका फूल ना 2 महीने तक खिला रहता है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट फेवरेट प्लांट है।
एक मुर्गा का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। उसके बाद हर मौसम में कभी भी ये आपको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही उग जाता है। और अगर आप मेरी तरह मुर्गा के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं फिर तो आप बीज से भी उगाए लोगे इसे, तो ज़रूर लगाइए। ग्रो बैग में लगाया है, देखिए कुछ दिनों बाद इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। छोटे छोटे 8 इंच 6 इंच 10 इंच के गमलों में आसानी से लग जाता है। और ये मेरा कैक्टस का पौधा है, इसे बोलते हैं घर में लगाने से नज़र वज़र नहीं लगती है। मुझे तो सारे प्लांट पसंद है तो मैंने इसीलिए भी लगाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये भी काफ़ी कांटे हैं इसमें देखिए। तो इस तरह से ना एक कैक्टस का पौधा भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और देखिए इसमें भी पॉटुला का खिला है, छोटा सा ही प्लांटर है। यहाँ पे मैंने अजवाइन ग्रो किया था, एक छोटे से पत्ती से पूरा गमला भर गया है अजवाइन से। और यहाँ पे देखिए मेरा जेड प्लांट फिर से अपनी खूबसूरत सी लंबी लंबी सी, ये देखिए चोटी जैसी लग रही है इसकी, ये प्लांटर की। तो यहाँ पे जेड प्लांट लगाया है। और ये सारे जितने भी छोटे छोटे प्लांटर आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने सब DIY करके ही बनाए हैं। घर पे पुराना जो सामान पड़ा होता है उन्हीं से बनाया है। और अभी गमले में ना बहुत खरपतवार उग जाती है, तो ये खरपतवार भी आप हटाते रहिए। मानसून के टाइम पे तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे इसमें घास वगैरह उग जाती है गमले में। तो ये आपके गमलों का, आपकी मिट्टी का, ये पौधे का सारा खाना खा लेती है, तो इसलिए इनको हटाते रहिए, बिल्कुल भी मत रहने दीजिए अपने गार्डन में। पे है मेरी छोटी सी जेड की टोपियारी जो मैंने पिछले बार बनाई थी, देखिए इसको कुछ और अलग लुक में देने वाली हूँ, जल्दी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, धूप में रखा है और अभी दिन के 12 बज रहे, तो 12 बजे तक तो यहाँ पे छाया रहती है, उसके बाद धूप आ जाती है। पूरे दिन भर धूप में रखा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, उसे धूप में रखिए बस, और कुछ मत करिए। और यहाँ पे मेरा ये रियो प्लांट है, देखिए बोट लिली भी से बोलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये सारे जो आप ग्रो बैग देख रहे हो ये 12x12 इंच के हैं, इसमें मैंने बैगन के पौधे लगाए हैं। कल ही मैंने दूसरे बार बैगन तोड़े हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड करके दिखा दूंगी। 12x12 इंच का है बैगन के पौधे को, अभी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, साथ ही साथ इसे अभी आप बीज से भी उगा सकते हो। तो एक बैगन का पौधा ना लगभग 2 से 2.5 साल आपके गार्डन में चल जाता है, तो ज़रूर इस मानसून में बैगन का पौधा भी अपने गार्डन में लगाइए। और इधर है मेरे कुछ बोगनविलिया के फूल जो स्पेंट हो गए हैं और अभी कुछ आ भी रहे हैं, तो बोगनविलिया भी कटिंग से अभी ग्रो कर लीजिए। और ये है जेड की टोपियारी जो मैंने बनाई थी, देखिए ठीक ठाक चल रही है। अभी इसको ना इधर से उधर फैल रहा है, तो इसे मुझे अच्छी सेप देनी है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए प्रॉपर सनलाइट में रखा है ना, तो कितना अच्छा जेड प्लांट चल रहा है। और इस वाले जेड प्लांट का मैं सोच रही हूँ ना इसको एक पेड़ का सेप दे दूँ, साइप्रस ट्री का, तो बहुत जल्दी ये भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हैं गुड़हल वगैरह के पारिजात के पौधे। और देखिए इस बार ना मैंने पूरा इस ग्रो बैग में ही लगा दिया पूरा पॉटुलाका का, और देखिए कितना सुंदर फूल खिल रहा है, बड़े बड़े से, और काफ़ी अभी खिलने वाले हैं। और इसके बीच में जो ग्रीन वाला देख रहे हो ना आप, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था मेरी बात सी तेज नज़रें कैसे पौधे को पहचान कर लेती हैं। ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला एक बहुत ही सुंदर पौधा मेरे को प्रकृति ने गिफ्ट दिया है, तो इसे कैसे मैं फेंक सकती थी, इसमें मैंने लगा दिया। देखिए इस तरह से लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस जाती है, और उसके बाद ना ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसी में इसे डाल दिया है। और हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हो वैसे, तो कुछ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने वॉन्डरिंग जू को कटिंग से ग्रो किया है, देखिए ये लग गई है मेरी कटिंग, बहुत मुश्किल से हमें इसकी कटिंग मिली है। और यहाँ पे है मेरा प्यारा सारे का बाम, और मेरे कुछ हरे भरे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये है स्पैराग्रास, ये एक डक वाले प्लांटर में मैंने लगाया है। ये प्लांटर मैंने बनाया था लगभग 4 साल पहले, और देखिए अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन बीच में ना अब थोड़ा सा टूट गया है, टाइम भी हो गया काफ़ी। वैसे ये टूटा इसलिए क्योंकि ये छत से गिर गया था नीचे आधी तूफान में। और देखिए कितना प्यारा सा प्लांटर है इसका, आगे का ना आँख वाँख सब मिट गई है इसमें से, और ये बहुत सुंदर लगती है स्पैराग्रास। इसे आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए, बहुत प्यारा लुक आता है, एवरग्रीन रहती है पूरी साल। और ये सेंसिव एरिया है वेरीगेटेड वेराइटी का, एक छोटा सा बेबी प्लांट लगाया था और इतने सारे बच्चे दे दिए इसने, देखिए। और ये मेरा प्यारा आरे का पम, और देखिए इधर पर्सलिन पॉटुला का कितने खिले हैं। और ये है देखिए वेरीगेटेड वैरायटी का फाइकस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेरीगेटेड फाइकस, ये देखिए इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है। नर्सरी से अगर लाना चाहते हो ना अभी इसे ज़रूर लेके आइएगा, कटिंग से भी लग जाता है वैसे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, ये देखिए
ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन अगर आप ग्रो करना चाहते हो, एक छोटी सी कटिंग लीजिए, इतनी छोटी सी कटिंग, इससे भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, कहीं आसपास मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप अड़ोस पड़ोस से मांग के लाइए अपनी, और इसे भी लगाइए, बहुत प्यारी लगती है इसकी पत्तियाँ, तो इसे भी लगाइए और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देगी। इसमें एक ग्रीन कलर भी आता है, मेरे पास ये पर्पल वाला है, ग्रीन वाला नहीं है। और देखिए इस वाले पौधे का आप मुझे नाम बताइएगा, वैसे इसे लाल बादशाह भी बोला जाता है, लेकिन इसका दूसरा एक और नाम है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये तो आपने देख ही लिया है सुंदर सा पेड़, देखिए सदाबहार घुसपैठिया पौधा यहाँ भी आ गया, हर जगह इन्होंने मेरा आतंक फैलाया हुआ है। और कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक दूसरी जगह अपनी बालकनी गार्डन, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, और एक बैगन का पौधा मैंने यहाँ पे लगाया है, इसकी भी कल मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे है देखिए वेरीगेटेड वैरायटी का स्नेक प्लांट, और इसके साथ ही नॉर्मल वैरायटी का भी है, ये वेरीगेटेड वाला है, तो काफ़ी सही लगता है धूप में रखे। देखिए मैंने ये सारे पौधे, और ये है मेरा जेट प्लांट, काफ़ी हेल्दी आपको दिख रहा होगा क्योंकि धूप में है, और ये इंग्लिश वाली वैरायटी है जेट की, देखिए बहुत सुंदर है, और कितनी मोटी स्टेम इसकी दिख रही है आपको, तो ये सारा कमाल धूप का ही है। और यहाँ पे एलोवेरा भी रखा है, एलोवेरा वैसे मैंने शेड में रखा हुआ था, लेकिन अभी ना मौसम ठीक हो गया है, बारिश हो रही है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और देखिए घुसपैठिया पौधा, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, देखिए इसने कैसा हर जगह पे आतंक फैलाया है, और यहाँ ये कनेर के पौधे में भी घुस गया है, और इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं इसमें, देखिए कहाँ से कहाँ इसके फूल पहुँचे हुए हैं। फूल तो इसके ठीक लगते हैं, लेकिन जब ये सारे गमलों की जगह हड़प लेता है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। और इधर है मेरा येलो कनेर, इसमें फूल खिले हैं खूब सारे, देखिए बाहर वाली साइड को फूल खिल रखे हैं, और इसका फूल ना शिव जी को भी चढ़ता है, तो इस वाले कनेर को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, कटिंग से लग जाता है बहुत आसानी से। और वैसे इसमें बीज भी आता है, एक ही बीज आता है, एक जो सीड पॉट बनता है उसके अंदर बस एक बीज होता है, तो उससे भी आप इसे उगा सकते हो, बहुत आसानी से उग जाता है। और यूफोरबिया मिली को भी अभी कटिंग से लगा सकते हो, देखिए फूल बनने लग गए हैं। और ये है मेरा वेरीगेटेड वैरायटी का हिबिस्कस, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर हैं, ये अपने फूल से ज़्यादा अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है, इसीलिए मैंने रखा है, क्योंकि मुझे ना पत्तियों में वेरीगेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये पाउडर पफ का प्लांट है, और घर में मेरे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अगर आपको नॉइस आ रहा हो पीछे से तो माफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस, इसमें भी मैक्सिकन पिटूनिया है, भगवान मैं क्या करूँ, हर जगह ये उग गया है, देखिए इसके अंदर भी ये चला गया है, और इसको भी नहीं छोड़ा है। ये मेरी टोपियारी देखिए जेट की, बाल्टी के हैंडल से बनाई हुई थी, और यहाँ भी सारे पौधे मैंने एक साथ रखे हैं जी, देखते हो ये देखिए हरा भरा घना, तो ये है मेरे कुछ पौधे। और इधर मैंने मुर्गे के जो भी पौधे उगाए थे सब उग गए हैं, इन्हें मैं बहुत जल्दी अलग अलग ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी, तो फिर आपको दिखाऊँगी। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कटिंग लगा के दिखाया था, ये चंपा की देखिए कटिंग लगी है, कटिंग कैसे लगी है आपको पता कैसे चलेगा, इसमें आप देखिए ये पौधा आपको एकदम सीधा खड़ा हुआ दिखेगा, और अगर कटिंग नहीं लगती है ना तो पौधा मुरझाया सा दिखता है, तो इस बार आप कटिंग देखिए जड़ भी आ गई है, लगभग एक हफ्ता ही हुआ है इसकी कटिंग लगाए हुए मुझे, और इसमें जड़ें भी बनने लगी है, तो गाइज बिल्कुल बिल्कुल कटिंग लगाइए अभी। और अगर आप लंबे टाइम से जुड़े हो ना, तो मैं लाइव आते रहती हूँ, उसमें मैंने दिखाया था इसको कैसे मैंने लगाया, और देखिए जड़ आ गई आराम से, इस वाले में अभी नहीं आई है, तो इस वाले में इसलिए नहीं आई है ना क्योंकि इसमें देखिए एयर पॉकेट बन रहे हैं, मिट्टी को अच्छे से दबाइए वरना पौधा नहीं लगेगा। और ये पर्सलिन का है, देखिए खूब सारे फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिकन पिटूनिया ने अपने घर बना दिया है, इसके बीच में रेन लिली भी है, बेचारी को खिलने को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा है। और इधर मुर्गा प्लांट है मेरा फेवरेट, और ये सारे चंपा के पौधे हैं जो मैंने इधर रखे हुए हैं, बीच में आंवले का पौधा भी है, एक आंवले का पौधा भी ज़रूर लगाइए, काफ़ी शुभ होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने लगाया है। तो ये है मेरी बगिया, सारे पौधे एक साथ अभी हौच पौच हुए हैं, बहुत जल्दी इनको अलग जगह हम अपना गार्डन बनाएंगे, सारा टूर आपको मैं करवाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं ना तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। और अगर आपका कोई भी सवाल हो ना, बेझिझक आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और सबका मैं आंसर करती हूँ। इतनी तेज़ धूप में मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे इस एफर्ट्स के लिए। मेरे घर वाले ना मेरे पौधों के ऊपर कपड़े सुखा देते हैं अपने, देखिए मैक्सिकन पिटूनिया यहाँ भी पूरा फैला हुआ है, तो कुछ ऐसा सा बगिया का भी लुक आ रहा है। और ये जो मैंने पुराने जग से बनाए थे प्लांटर हैंगिंग वाले, इनमें भी फूल खिल रहे हैं पर्सलिन वगैरह के,
और मैक्सिकन पिटूनिया एक यहाँ पे भी है, देखिए इसने मेरा पूरा गुड़हल का गमला खा गया है। तो कुछ दिनों बाद मैं गुड़हल की इसमें से कटिंग लगा दूंगी अलग अलग, इसीलिए मैं इसे घुसपैठिया पौधा बोलती हूँ। आप देखिए पूरा गमले में फैल गया, इसने गुलदाउदी को भी यहाँ से खा दिया, इसमें जेट्रोफा का प्लांट लगा था इसे भी इसने बर्बाद कर दिया है मैक्सिकन पिटूनिया ने, क्योंकि इसकी जड़ें ना काफ़ी गहरी होती है और इन्हें काफ़ी फूड चाहिए होता है। मिट्टी से ही काम चला लेती है वैसे तो, लेकिन मिट्टी पूरी खा जाती है, मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। और ये है मेरी रेनली जो मैंने रिपोर्ट की थी और मैंने आपको दिखाया भी था कैसे मैं इसे इस बार 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे फूल चाहिए। लेकिन मेरा प्यारा मुर्गा हर जगह जैसा कि मैंने आपको बताया उग जाता है, तो यहाँ भी ये उग गया है, देखिए ये यहाँ भी मुर्गा उग गया है और इसमें ना अब फूल बनने लगे। मैंने येल्लो कलर वाला भी लगाया, देखिए येल्लो आ रहा है फूल, और जब ये पूरा खिल जाएगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे भी येल्लो है, ये पिंक भी है और बीच बीच में पूरा वाइट है। तो दोस्तों अगर आपकी रेन लिली में फूल नहीं आ रहे ना, तो अभी भी आप उसे नई मिट्टी में रिपोर्ट कर लीजिए और उसके थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर दीजिए। आप चाहे तो पूरी पत्तियाँ काट सकते हैं, वैसे अब तो बरसात का मौसम आ गया इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सूखी सूखी पत्तियों को ही हटाइए, बाकी ऐसे रहने दीजिए। और धूप में ज़रूर रखिए रेन लिली को, धूप में और जहाँ पे अच्छी बारिश मिलती है। उसके बाद देखिए रेन लिली में कैसे फूल आते हैं भर भर के। और इसमें एक और पौधा आप जो देख रहे हैं ना, ये जखिया है, ये मसाले में तड़के के रूप में इस्तेमाल होता है, तो कभी आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। कुछ दिनों बाद मैं आपको सारा चेंज करने के बाद मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी। और देखिए गोमफेरना देख लीजिए जाते जाते, ये है गोमफेरना, इसे अभी आप बीच से उगा सकते हो, इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पौधा है, देखिए फूल कितने ज़्यादा सुंदर है। और ये फूल ना इसके 1 से 2 महीने तक खिले रहते हैं। अगर आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हो जो बहुत लंबे टाइम तक आपके गार्डन में खिला रहे, तो गोमफेरना जरूर लगाइए। और ये ही इसके बीज बन जाते हैं जैसे जैसे फूल सूखता है, देखिए कितना प्यारा सा है। तो दोस्तों ये है मेरा आज का गार्डन टूर मेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा गार्डन। बाय बाय, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, टेक केयर।